सोनालिका ट्रैक्टर्स के सबसे बड़े शोरूम की सौगात जिले के सम्मानीय किसानों को दी जा रही है। तो फिर देर किस बात की, आप पधारें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स के सबसे बड़े शोरूम में और नए वर्ष में मिली सौगात का लाभ उठाएं। हमारा पता है नई गल्ला मंडी के आगे खुरई रोड सागर। निवेदक पूनम बीरेन पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, खुरई रोड सागर। नरियावली थाना अंतर्गत ग्राम सिलेरा में बीते दिनों लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर हुए बल्लू यादव और प्रहलाद यादव के बीच विवाद को लेकर बल्लू यादव व उनके साथियों द्वारा प्रहलाद यादव के साथ मारपीट की गई, जिससे हताश होकर प्रहलाद यादव ने अपने ही घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जहां परिजनों एवं ग्रामवासियों द्वारा सागरबीना मार्ग पर सब रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया गया। क्या लड़ाई है, क्या झगड़ा है? हम तो खेत से चले आ रहे थे, यहाँ तो 10-50 औरतें आदमी खड़े हैं, लड़की लोग पूछे, उन्होंने हमने पूछा क्या हो गया भाई, बोले कुछ नहीं, वो पहला यार लड़ाई हो गई है। इतने पहला यार फोन करके बुलाया है, वो अपने आप आया, ये कोई जानकारी नहीं है। जैसी वो आया ना, डीएल उस पर हम लोग गाड़ी से नीचे नहीं उतर पाए, 5-6 लोग उस पर चल बैठे, मान लिया उसकी नीचे डाल ली, एक लेडीज की आर्टिकल पकड़े थे जो पोते कहलाती है, एक वो पकड़े, एक लड़का ऊपर चढ़ा था छाती पे, हम लोगों को अलग किया उनसे और डांटा सबको, जो प्राय प्राय जितने लोग थे वहाँ पे, मैं सबसे ज्यादा उम्र के हम ही थे, मतलब कहने का, तो हम सब डांटा, उसको अपने घर भेजा, इनको अपने घर भेजा दिया, हम सारे निकल गए। बल्लू यादव गए जी, थोड़ी सी इनकी संसदीय चुनाव पे ऐसा जो भी रंजस हो गई थी थोड़ी सी जी, जिकम आने फूल का प्रचार कर रहे थे पहला, वो कांग्रेस की स्पेस है उनकी, थोड़ा सा वाद विवाद हो गया था, अभी से जो थोड़े बहुत मनमटक थी, तो कल बल्लू यादव आए तो उसको गाली गलौज करने लगे, तो बल्लू यादव गए बड़े पिताजी के लड़का नारायण यादव, फिर ने बोली कि भैया इनको समझाओ, जो बेफजूल की गाली बक रहा है, तो नारायण यादव ने बोली कि तुम इनके घर पर जा करके और इनके पिताजी से समझाओ। अब जे नहीं मालूम था कि जे पूरी तैयारी में है जी, वो ज्यों ही उनके घर आया तो इनने 10-12 लोगों ने मिल करके महिलाओं समेत और उसको बहुत ज्यादा मार मारी, इतना मारा कि वो जाके उसने खुद कुछ ही कर ली। वहीं इसको लेकर नरियावली थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरा मैं ये प्रहलाद यादव है, कल रात में ये सूचना आई थी कि बल्लू यादव परिजन जो अनावेदक पक्ष है वो रिपोर्ट करने आया था, वहाँ पर सूचना मिली थी कि ये जो प्रहलाद यादव है रात से गमछा वगैरह रस्सी वगैरह लेके गायब है, जिसकी सूचना की तस्दीक पर टीम भेजी गई और गांव वालों ने भी उसकी रात में सर्चिंग की गई, रात में सर्चिंग के बाद जब वो नहीं मिला, सुबह तक सर्चिंग पुनः हुई, सुबह सर्चिंग में उसकी बॉडी मिली है, वहाँ से पीएम कराया गया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है पीएम पीएच में रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वैध। ग्रामीणों में रोष था, परिवार का सदस्य है, ग्रामीणजनों का रोष था, तो उसमें उनको आश्वासन दिया गया है, वैधानिक उसमें जो भी कार्रवाई होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, अभी संपूर्ण दस्तावेज तैयार करके जो भी कार्रवाई होगी FIR के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखा जाए तो चुनावी संघर्ष एक व्यक्ति को इतना भारी पड़ा कि उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब देखना होगा कि इस मामले में शासन प्रशासन द्वारा क्या उचित कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। आप देख रहे हैं अथर्व न्यूज, खबरें देखकर कर दें सोचने पर मजबूर। सागर से संजय तिवारी की रिपोर्ट।